हाय दोस्तों, तो मैं अजित पांडे आपके लिए हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम हैं गोवा के कलंगूट बीच के किनारे, जो कि मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा बाघा बीच का, तो ये उससे थोड़ा दक्षिण साइड में है। लगभग वहाँ से 1.5 किलोमीटर की रेंज में अगर आप बीच के किनारे से जाएंगे तो, और बाय रोड जाएंगे तो 2.5 समथिंग पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे खड़ा हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। और पिछले हमारे बाघा बीच के वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और अभी के अभी देखिए। तो ये हमारा वीडियो खासकर हमारा कलंगूट बीच का है, तो मैं इसको आपको यहाँ के भी नज़ारे दिखाता हूँ। और हमारे इसके पहले भी वीडियो आ चुके हैं जो कि कांदोलिम बीच, और उसके पहले हम डाल चुके हैं सिक्केरियम बीच और फोर्ट का, तो आप उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। तो बिना वीडियो को लंबा किए हुए मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा कलंगूट बीच का नज़ारा। देख रहे होंगे लोग काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और ये शाम का टाइम लगभग 6 बजने को आया, और सूरज जब धीरे धीरे जैसे नीचे जाएगा वैसे गोल्डन कलर होता जाएगा, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ का व्यू। इतना ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, मैं आपको दिखाता हूँ और अंदर लेके चलता हूँ थोड़ा सा। इसके किनारे जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे इंजॉय करते हुए। दोस्तों जैसे आके आपको ना पता हो, यहाँ की गाइडलाइंस है कि आप समंदर बीच के किनारे एल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते, और लोगों को अलाउड नहीं होता अंदर जाके नहाने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए वार्निंग बोर्ड भी लगा हुआ है सामने आपके। ये वार्निंग बोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लिखा क्या है। क्या ही नज़ारा है भाई, मैं तुमको वार्निंग बोर्ड दिखाता हूँ। ये है वार्निंग बोर्ड, आप ध्यान से इसको पढ़िए, वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं अगर टाइम लगता है तो। और मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का, लोगों को कोस्ट गार्ड टाइम टाइम पे यहाँ बीच से घूमते रहते हैं, लोगों को वार्निंग देते रहते हैं कि आप बीच के किनारे ना जाएं, किनारे पे जाएं, बट लेकिन यहाँ बीच के किनारे जाके आप समुंदर के अंदर ज़्यादा अंदर तक ना जाएं नहाने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए डेंजर हो सकता है। और जैसे कि लोग काफ़ी अंदर जाना चाहते हैं नहाने के लिए, देखिए अभी ये लड़का आपको दिख रहा होगा काफ़ी अंदर जा चुका है, सबसे और अंदर ही जाता जा रहा है, तो वो लहरों से धीरे धीरे इधर आ जाता है, लेकिन जब लहरें आती हैं तो उसको बाहर की तरफ भेजती हैं जो भी अंदर रहता पानी के, और वो लहरें जैसे ही वापस जाती हैं वो खींच के और अंदर ले जाती हैं। तो अगर आप ज़्यादा अंदर जाएंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई ऐसे ही डूबता है, और कोस्ट गार्ड विशेष बजाते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कोस्ट गार्ड बैठा हुआ है, ये सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए आपके तैनात रहते हैं 24 घंटे। और नाव से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं लोग करते हैं, और कुछ रेस्क्यू टीमें नाव के द्वारा समंदर के बीच में भी खड़ी रहती हैं, जैसा कोई डूबता है या किसी का तो वो बचाने के लिए। आप देख सकते हैं गोल्डन व्यू, शानदार, कितना ही शानदार व्यू है, अभी और भी शानदार होगा जैसा जैसा शाम होता जाएगा। आप देख सकते हैं जूम करके मैं वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ जितना भी जूम हो सकता है। तो ये है हमारे नज़ारे,
और आप देख सकते हो कितना ही ज़्यादा क्राउड है। मैं सुन करके दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि लगता है कि हम प्रयागराज के कुंभ मेले में खड़े हैं इस टाइम। वहाँ तो थोड़ा कम है, लेकिन नज़ारा कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको बीचेस के किनारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और भी नज़ारे हैं जो कि देख पा रहे हैं। यहाँ से दिख रहा है कैफे हार्ड रॉक, हार्ड रॉक नहीं है दोस्तों, हार्ट रॉक है। हार्ट मतलब दिल, हार्ड मत समझ लीजिए हार्ड कैफे। हार्ड रॉक कैफे तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, ये वो नहीं है। तो इसके जो साथ हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे ही रोकता हूँ। और बने रहिए हमारे साथ अगले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस। और थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट करके अपने फीडबैक के माध्यम से अपना फीडबैक दें, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल ध्यान देंगे उस पर, और अच्छा लगे तो बताएं, हम बिल्कुल एक के बाद एक नए वीडियो लाते रहेंगे। और ये यहाँ के कोस्ट गार्ड हैं जो जीप लेके टहलते रहते हैं, लोगों को बनाने सजेशन देते रहते हैं कि आप अंदर न जाएं और किसी प्रकार का अल्कोहल का सेवन न करें बीच के किनारे, ये सब जो भी गाइडलाइंस है यहाँ की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।